जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। घबराने की कोई बात नहीं है, इट्स फाइन नाउ। शुक्र। अगर आप इन्हें वहां से निकालने में थोड़ी और देर करती तो इनकी जान भी जा सकती थी। और अब इन्हें प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, ये ना दे दीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। अमृता, मेरे बेटे की जान बचाने के लिए आज तुमने तो एक ही दिन में अपने सातों वचन निभा दिए। मैं ही बेवकूफ थी जो तुम्हें वो चैलेंज दिया। अरे जो पत्नी अपने पति की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह ना करे, उसकी परीक्षा लेने का हक मुझे तो क्या, वो भगवान को भी नहीं है। मुझे माफ कर दे बेटा, तुमने अपना हर रिश्ता पूरे दिल से निभाया है और हमने हमेशा तुम्हारा दिल दुखाया है। तुमसे बेहतर पत्नी मेरे बेटे के लिए कोई और हो ही नहीं सकती। और इन बच्चों को तुमसे बेहतर मां नहीं मिल सकती। हम सबका ख्याल रखने के लिए थैंक यू। नहीं मासा, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ समझा और मेरी माँ मेरे आगे हाथ जोड़े कुछ अच्छा नहीं लगे। और मैंने जो भी किया है सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। आप सच्ची में बहुत अच्छी हैं। डॉक्टर ने कहा है कि राजीव को रेस्ट करना चाहिए। लेट हिम रेस्ट, हम सब बाहर चलते हैं। हाँ हाँ चल। बेबी, मैं तो बहुत डर गई थी। आई एम सो ग्लैड कि तुम ठीक हो। आई एम सॉरी रक्षिता, ये जो हमारा रिश्ता है, हम या जो कुछ भी है, हमसे कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये तुम क्या कह रहे हो राजीव? मैं ठीक कह रहा हूँ। हमारे बीच का जो ये रिश्ता है ना, मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये बातचीत, ये दोस्ती, ये कुछ नहीं रहेगी। मैं इसे खत्म करता हूँ। तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो? एक ही पल में तुमने मेरे बजाय अमृता को चुन लिया। हमने इतने साल साथ बिताए, छिप छिप कर प्यार किया और तुमने सब कुछ एक पल में खत्म कर दिया। तुम बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ राजीव। हाँ, मैंने गलत किया। तुम्हारा और मेरा जो नाजायज रिश्ता है, ये गलत है। मुझे शर्म आ रही है अपने आप पे। कमजोर महसूस कर रहा हूं मैं। और जानती हो, सबसे ज्यादा गलत मैंने किसके साथ किया है? उस बेचारी अमृता के साथ। उसने हमारे रिश्ते को अपना सब कुछ दे दिया और मैं उसे बेसिक वफादारी तक नहीं दे सका। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ, उसे वो सब कुछ दूंगा। खुशियां देना चाहता हूँ, उसे वो हक देना चाहता हूँ। भले ही उसके लिए मुझे गुनाहों के बोझ के नीचे रहना पड़े, वो चलेगा, लेकिन मैं उसके साथ बेवकूफी नहीं करूंगा। एंड रक्षिता, मैंने तुम्हारे साथ भी गलत किया है, उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम एक नई लाइफ शुरू करो, यहाँ से दूर जाओ, भूल जाओ ये सब। मैं अपनी पुरानी लाइफ को सुधारने की कोशिश करता हूँ। जो अमृता को वो सब कुछ देना है जो उसका हक है, वो सारी खुशी, वो सारा प्यार। बस एक रिक्वेस्ट है तुमसे, हमारा जो घिनौना रिश्ता था उसके बारे में अमृता को मत बताना। मेरे लिए नहीं, उसके लिए। वो टूट जाएगी, वो सहन नहीं कर पाएगी ये सब, और मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता।
भले इसके लिए मुझे ग्रीड में जीना पड़े जिंदगी भर, प्लीज है ना, तुम जाओ और वापस कभी लौट के मत आना। जीत गई ना अमृता, कुछ नहीं कर पाए हम। मैं ऐसे हारना नहीं चाहती गौरी, मुझे मेरा राजीव चाहिए। प्लीज कुछ करो, मेरी मदद करो, मुझे बताओ मैं क्या करूं। हाँ हाँ, रेडी पे बिक रहा है ना राजीव, जाके खरीद लाओ। जब करने का टाइम आया ना, अरे को साफ सुन गया, कुछ नहीं कर सकती तो डरपोक कहेगी उसकी एक नंबर की। अब जो करेगी ना मैं करूंगी, और इस बार ऐसा करूंगी कि फिर कभी कुछ करने की जरूरत ही ना पड़ेगी। तुम्हारे रास्ते में पड़े अमृता नाम के पत्थर को इब हमेशा के लिए हटा दूंगी। और जब इतनी सारी बातें हो गई ना, फिर मैंने उसे बताया कि वैसे ये शोरूम मेरा है। Oh God, माँ। फिर तो माँ उसका चेहरा लटक गया होगा, है ना? ऊपर से लेके नीचे तक लटक गया। ओम आज जोड़ने लगा वो। Oh my God, it was... Hey, क्या हुआ? कुछ नहीं, सबको एक साथ इतने खुश देख के मन भरा है। सब एक साथ है, प्यार से रह रहे, यही तो हमेशा से चाहती थी मैं। और अब तुम्हें पता है, मासा और दीदी भी बहुत खुश है, और आज तारा चंदा की भी लड़ाई नहीं हुई, और अब तो तुम भी मेरे साथ हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे अंदर की अच्छाई ने हम सबकी बुराई को खत्म कर दिया। ये तो माता रानी की कृपा है कि सब ठीक हो गया। हमेशा से जो चाहती थी कि सब साथ रहे, प्यार से रहे, आज वो देख लिया। अब अगर कहीं चली भी जाऊं तो कोई पछतावा नहीं होगा। बहुत मुश्किल से मैंने तुम्हें पाया, जाने की बात ना करो प्लीज। जाना तो पड़ेगा। मजाक कर रही हूँ, वो चंदा की एडॉप्शन पेपर्स की कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी है, बस वही करने जा रही हूँ। जल्दी आती हूँ। जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।